आज ना हम लोग के मतलब मैं रेडी हो ही रही थी कि हमारे घर पे नहीं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक क्योंकि पापा के फ्रेंड्स आए। ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, चिकन बिरयानी। हाँ अभी तो खा के उठे थे, तीसरी बार बैठ रहा है। हाँ लो, वो तो कह रही तीसरी बार बैठ। तो गाइस अभी हमारी तैयारी हो रही है आज की दावत की। तो अभी मम्मी ने ये जो दही बड़े हैं ये निकाले हुए हैं, मैंने ये पूरी जो दही बनानी होती है रायता पूरा ये मैंने बनाया है और इसको इसमें ट्रांसफ़र करते हैं। काफ़ी सारे काम आज लगे हुए हैं, मतलब कि पहले दिन तो हो जाता है ठीक, फिर दूसरे तीसरे दिन आपको दावतों में लगना पड़ता। पूरी डाल देना मम्मी, दूसरे तीसरे दिन और हफ्ता 10 दिन ही दावतों में लगना पड़ता है। कभी कोई, कभी कोई, कभी कोई, कभी आपको कहीं जाना होता है और कभी किसी और को आना होता है। तो ये हमारा दही बड़े जो है ये तैयार हो गए हैं। अभी ये हमने बॉक्स के कंटेनर में रखा हुआ है, अभी जब सर्व करना होगा तो फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे। अभी इसको बंद करके रखते हैं और बाकी सारे काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। और आज हमारी ईद तो चलनी ही है 2-3 दिन तक। तो आज ना हम लोग के मतलब मैं रेडी हो ही रही थी कि हमारे घर पे आ गए मामू और उनकी फैमिली। तो अभी हम लोग वही सब उनके पास से मैं मतलब चेंज वेंज कर रही थी तभी वो आ गए थे। तो अभी हम लोग अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आज आपको हम क्या क्या करते हैं। मम्मी किचन में लगी हुई काम वगैरह कर रही हैं और बस हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हम क्या क्या करेंगे आज पूरा दिन। ईद का हमारा कैसे गुजरता है आप सब शेयर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद पूरा व्लॉग देखिएगा। मतलब पानी लेके इंसान को किस तरफ जाना है, मैं जाना है उस तरफ, जाओ उस तरफ नहीं, मेरे तो दिमाग खराब हो जाता है। काम ही कि बस दिमाग काम करेंगे, कौन सा वाला छुए, मल्टीटास्किंग करने का मूड है बिल्कुल, लेकिन हाथ लग ही नहीं पा रहा किसी एक काम में भी। अभी यहाँ पे मुझे ये दही बड़े इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। अदीफा अभी अपने कपड़े प्रेस कर रही है तो इसमें भी ट्रांसफ़र करते हैं। और अभी देखते हैं मम्मी कस्टर्ड की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पे कस्टर्ड अरे यार कस्टर्ड बन के रखा हुआ है, अभी मम्मी तैयारी कर ही रही हैं। हाँ बताया मैंने मामू लगाया, अब पापा के फ्रेंड एक रूम में और उधर साइड मामू लगाया। तो अभी हम लोग बहुत जल्दी हाथ चला रहे हैं कागज में। तो ये है हमारे मामू की बेटी और अरे मामू और मौरी भी पीछे खड़ी हुई है जी, कर दीजिए जी। हाँ चलिए हाय कर दे रही, मम्मी काम में लगी हुई है। तो ये लोग अभी आए हुए हैं सब लोग और अभी हम लोग इनके साथ बातें कर रहे हैं। और कहाँ जा रहे हो तुम? पैसे नहीं है, मेरे पास नहीं है। ये हमारे मामू के बेटे हैं। हाँ यहीं पे लगाया था, अच्छे से व्लॉग देखती है लग रहा है, बिल्कुल पता है। यहाँ देखिए हमारे कस्टर्ड में जो है ना आधी हमारी जो ये थी जली, ये कम पड़ गई तो मम्मी अभी दोबारा करेंगी। चार बॉक्स ऊपर से निकालना पड़ेगा अभी गाइस, काम वाम में लगे। उधर साइड पापा के भी दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी हैं और अपनी मम्मी ने वो भी मतलब बैठे हुए हैं, सिवाई खा रहे हैं, उनको भी देखना है। निकाल दो, हम निकाल देंगे। तो गाइस यहाँ पे पापा के फ्रेंड आए हुए हैं, अंकल आए, भारत अंकल है और पवन अंकल है। तो अभी गाइस ये लोग आए हैं अंकल लोग हमारे। अच्छा है खाना, सिवाई अच्छी टेस्ट करी, खाइए। चलो जान सामान लेने जा रहा है, आ जाओ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ मामू बैठे हैं बिजनेस टॉक्स। चलो तुम लोग जाओ, मतलब स्कूटी आती भी नहीं और कह देते हो जाता है, गिरना ही नहीं क्या? नहीं कोई जरूरत नहीं, ऐसे जाओ पैदल। तो यहाँ क्या हो रहा है, बिरयानी तैयारी। ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, चिकन बिरयानी। मिट्टू देख देख के चिल्ला रहा है, मिट्टू के पास छोड़े, मिट्टू के पास छोड़े, मिट्टू के पास छोड़े, बोलो क्यूटी क्यूटी। आजा किचन में आप लोग लगे हुए हैं काफी। आवाज नहीं लगे, आवाज नहीं लगे, अरे अरे आए बड़ा जल्दी से। अभी हम लोग किचन में चलते हैं। ये देखा हमें अंदर, ईद इज ऑल अबाउट फूड फूड। हाँ व्लॉग आइए, साथ में खड़े जाइए ना आप भी, आइए हमारे मामू और मौरी से मिलिए। ईद दोबारा कह दीजिए आप लोग जी, आप लोग रुक के जाइएगा अभी आराम से, ठीक है ना? तुम लोग क्या देख रहे हो? ये तो आर्ट नहीं है, रीफा की फैशन डिजाइनिंग है। ये कोरोना के टाइम में रीफा ने बनाया था, ये तो सिर्फ उसकी फैशन डिजाइनिंग की है। हाँ फैशन डिजाइनिंग की है उसकी, इसमें आर्ट नहीं है ज्यादा, उसके दूसरी है आर्ट वाली। हाँ
वो वाली इसने फाड़ दिया, उसमें चेहरे बने थे ना, तो अदीफा ने चेहरे बने थे ना, तो उसमें सारे हटा दिए। कैट वाली ये आगे, कैट वाली आगे, ये कैट वाली इधर है। ये किसने बनाया था? तारे जमीन पर देख के बनाया था क्या? उनकी बहुत सारी है कलेक्शन अदीफा की। मैं लेने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक क्योंकि पापा के फ्रेंड्स आए। अभी हमें काम में लगे हुए हैं, बैठ भी नहीं पा रहे सही से, मामले के पास इतना काम है अभी। मम्मी तो बैठी नहीं जब से अभी वो आए हैं। हो गया हमें यहाँ, अदीफा सैलेड की तैयारी कर रही है और किचन बिल्कुल मैसी हो रखा है। किचन की हालत को आप इग्नोर कर सकते हैं। चलिए पहले आपको काम कर लेते, उससे आप उसकी बात आ सकते हैं। इतना ज़्यादा मैस हो रखा है हर जगह पे, मतलब यहाँ पे पीछे साइड यहाँ पे है, यहाँ पे है सामान और यहाँ पे, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ये रौनक है जो हम ईद की मिस करते हैं पूरा साल। बहुत मज़ा आती है जब सब लोग आते हैं बैठते हैं और बस फूड और ईदी, ये मेन होता है ना ईद में, तो फूड में मतलब कितना कुछ आइटम बन जाए ना कम रहता है। सिवाई और दही बड़े के अलावा भी आप कितना कुछ बना लो। जब घर में मेहमान आते हैं, आप भाग दौड़ में लगे होते हैं, तो ये एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है जो बस ईद के टाइम आपको मिलती है। तो मैं तो बहुत काफ़ी ज़्यादा बिजी हो रही हूँ बार बार, क्योंकि कुछ ना कुछ काम में लगना ही पड़ रहा है। मम्मी पीछे काम कर रही है, कोई ना कोई आ ही रहा है। दे रहे बाबू, इसमें क्या है, मुसल्लम है, दे दिए मामू को। था ये गरम है, हमें लग रहा है वो थोड़ा सा ठंडा है। हाँ ये गरम, मामू ये लीजिए, ये भी गरम लग ही रहा है। अच्छा क्या हो रहा है उधर भी, रूम में मेहमान है ना, चलो खाओ। हाँ तुम दोनों तो, ये दोनों भी मेहमानों में है, देखो कैसे बैठे हैं। तो यहाँ पर हमारे मामू और मौनी तरफ से हमें मिला सडन सरप्राइज़, वो आ गए थे अचानक से, बड़ा अच्छा लगा। और फिर यहाँ पे हमारा दावत का पूरा मेन्यू रेडी हुआ हुआ था पहले ही से, मतलब कि और भी गेस्ट आने थे तो काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि मुर्ग मुसल्लम और मटन कोरमा, बिरयानी मैंडेटरी, सिवई दही बड़े और कस्टर्ड बना हुआ था, ये सारी चीज़ें बनी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने दी, होता ही डब्बा हमारे बच्चों के लिए है, बच्चे ही खाते हैं ये लोग, टॉफी नहीं खाता, अदीफा भी खा रही है गाइस यहाँ पे साथ में बैठ के। अभी हमारे और भी मेहमान आएंगे, कितना अभी तो खा के उठे थे तुम, हाँ अभी तो खा के उठे थे, तीसरी बार बैठ रहे हो, वो तो कह रही तीसरी बार बैठ रहे हो। देखो मेरी प्लेट देखो, कोई प्लेट नहीं दिख रही है सामने, घर वाली प्लेट लाए। अरे रखी तो है, धुली हुई बाबू ने गिरा, अरे वो निकालने में मुश्किल थी ना, इसलिए ये वाली सामने आ गई। तो इसके साथ साथ हम भी गोला कबाब और नवाबी सेवई बनाने जा रहे थे, लेकिन काफ़ी टाइम कम था हमारे पास, इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया था, तो हमने कस्टर्ड बनाया। मेरा खाना चल रहा है, कौन सा है? गरीबों वाली प्लेट में, दिख रहा है कौन है गरीब, ये फ्रूट वाला नहीं है, लेयर्ड है। देखो देखो कैसे, रुक जाते ना मामू, अरे तो क्या हुआ, कल चल जाइए ईदी कौन ना करता है, लो तो बस करिए, ये लो बाबू ईदी लो, मुंह देखो, अरे 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 अच्छा नहीं लगा, अच्छी बात है, पैसे नहीं लेता, तुम्हारे मुंह से क्या दे रहे हम, वो वाला भाई तो मतलब ही नहीं, लो जी शाम तुम ले लो, इसके पैसे तुम ले लो। देखो कैसे वो चलता चला जा रहा है, दे 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 आप बनता
नीचे चल रहे हैं हम लोग, छोड़ने सबको आ जा दीपा। दोनों तो सही है यार, कैमरा पकड़ लिया, कैमरा लाओ, कैमरा अब आपकी बारी। हाँ सभी लोग आ गए, नहीं अभी वो आएंगे ना। अरे कोई बात नहीं, चलो मजा आई, अच्छा लगा, घूमने जल्दी जल्दी बच्चों को लेके आना। अल्लाह हाफिज़। जानू गिरा दोगे। तो अभी मामू लोग जा रहे हैं और अभी हमारे और भी गेस्ट आने हैं, तो अभी उनको भी अटेंड करना है। जब तक मामू को सी ऑफ करते हैं यहाँ पे खड़े होकर दरवाजे पे। अबे आवाज कर, फोन तो दो। मम्मी बहन के आई थी, बताओ। कितना शांत हो गया ये देखो। चलो अल्लाह हाफिज़। ड्राइवर देखो, ड्राइवर बहुत बैठा है वो देखो। तो भाई सभी हमारे दूसरे मेहमान आ चुके हैं, उनको हम लोग अटेंड कर रहे हैं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? खेलना। तुम दोनों घर के यहाँ क्या कर रही हो? बातें। तो ऐसी ईद में चलता रहता है, मजेदार हमारा गेस्ट का आना जाना, खाना सब कुछ, और ईदी लेना देना बहुत मजा आती है। मतलब ये टाइम हमारे लिए वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है। अभी आराम से आप एक हफ्ता, 15 दिन, एक महीने तक ईद बढ़ा सकते हैं, जैसे जिसका टाइम मिलता है ना। अभी लोग आ रहे हैं, हम कहीं जाएंगे तो ऐसे करके पूरा एक महीना हो जाता है, 15 दिन तो एक महीना हो जाता है। जब तक सेलिब्रेट करना चाहे कर सकते हैं, तो बहुत मज़ा आती है जब सब लोग आते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं साथ में, और ईद होती ही नहीं सब बातों की है, प्यार बांटने की और लोगों को एक दूसरे से मिलने की। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं अपने गेस्ट, और आज हमारा ईद का दिन ऐसे गुजर रहा है। काफ़ी बिजी डे होता है जिस दिन मेहमान आने होते हैं, क्योंकि शोर हो रहा है अभी, क्योंकि हमें अटेंड करना पड़ता है सब कुछ। कम से कम कितनी बार ही बर्तन धो चुकी हूँ मैं, बहुत बार काम पड़ता रहता है, इसलिए ब्लॉग वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैं आपके लिए करती हूँ, ठीक है ना। तो आपको सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को, और लाइक भी करना है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग बस और अंदर चलते हैं, बातें करते हैं, बस सबको टाइम थोड़ा सा। सो गाइस, लेट्स वाइंड अप द डे, और आज का हमारा ईद का डे खत्म होता है इसी सब तैयारियों दावतों के साथ, और काफ़ी बिजी शेड्यूल रहा है आज का हमारा, और काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है मुझे, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। हाँ, एनर्जी चाहिए बाकी अभी ईद की दावतों के लिए और ख़ुद भी जाने के लिए आगे, इसलिए अच्छे से सोते हैं, अच्छे से खाते हैं, रेस्ट करते हैं, ताकि हम एनर्जेटिक रहे कल भी। और कल ही ऐसा दिन जाता है, आपके साथ शेयर करेंगे कल या परसों वाला दिन, और आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या करेंगे पूरा दिन, क्योंकि ईद का रूटीन तो हमारा कुछ ऐसी दावतों में गुजरने वाला है, और ऐसे ही सब रहेगा। वेरी गुड, लाइट भी चली गई क्योंकि बाहर आंधी आ रही है, आज नहीं बिगड़ा। और जिस दिन, हाँ जिस दिन हमें शूट करना होता है, उस दिन मौसम देखा है ना आप लोग कैसे बिगड़ता है मौसम, मतलब उस दिन हम लोग को जिस दिन शूट करना था, लास्ट टाइम भी हुआ था, इस बार भी हुआ था। और अभी हम लोग लाइट जा चुकी है, जाते हैं अंदर, देखते हैं सामान समेटते हैं, थोड़ा सा खुद भी रेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या ब्लॉग बनेगा कल या परसों, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।